जेएसजी प्रीमियर लीग 9 अक्टूबर से 8 महिला टीम सहित 37 टीम लेगी टूर्नामेंट में भाग। उदयपुर जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ मारवाड़ रीजन के तत्वाधान में जेएसजी सुप्रीम द्वारा लक्ष्मीलाल चंडालिया की स्मृति में फील्ड क्लब मैदान पर जेएसजी प्रीमियर लीग 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित होगी। जेएसजी पीएल की टूर्नामेंट ट्रॉफी का अनावरण शनिवार को किया गया। अतुल चंडालिया ने बताया कि टूर्नामेंट में 37 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 8 टीम महिलाओं की, 2 टीम बच्चों की और 27 सीनियर टीम खेलेगी। टूर्नामेंट में प्रतिदिन फील्ड क्लब पर शाम 4 बजे से 11 बजे तक मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट नॉक आउट पद्धति पर होगा, साथ ही टेनिस बॉल से 7 ओवर के मैच खेले जाएंगे। अतुल चंडालिया ने बताया कि 14 अक्टूबर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया होंगे, साथ ही टूर्नामेंट में प्रतिदिन शहर के गणमान्य नागरिक भी शिरकत करेंगे। लक्ष्मीलाल चंडालिया की विस्मृति में दूसरा जेएसजी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक ही मंच पर पूरे परिवार को साथ खिलाना है। टूर्नामेंट में महिलाओं की भागीदारी भी अग्रणी रहेगी। इससे न सिर्फ महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के साथ ही अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलेगा। ट्रॉफी अनावरण के समय जेएसजी सुप्रीम के अध्यक्ष रमेश बी जैन, सेक्रेटरी मनीष कटारिया सहित टीम के कैप्टन मौजूद रहे। 9 तारीख से 14 तारीख तक जेएसजी इंटरनेशनल फेडरेशन और हमारे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मीलाल जी चंडालिया साहब की स्मृति में जैन सोशल प्रीमियर लीग क्रिकेट का द्वितीय आयोजन इस बार है। सर्वप्रथम तो आप सभी जनों का यहाँ पर पधारने पर, छोटे से निवेदन पर आप यहाँ पर पधारे, मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और पूरे जैन सोशल ग्रुप परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती और बहुमूल्य समय में से यहाँ समय निकाल कर यहाँ पधारे। मेरे पिताजी आदरणीय लक्ष्मीलाल जी चंडालिया साहब भी खिलाड़ी रहे, मेरे बड़े भैया मैं नितुल भैया भी क्रिकेट वॉलीबॉल और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो भी क्रिकेट और वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते हैं अभी, तो हमारे पिताजी से हमें ये प्रेरणा मिली। हमने आज से 4 साल पूर्व जैन सोशल प्रीमियर लीग का आयोजन फील्ड क्लब में इसी मैदान पे किया था, इस सोच के साथ कि जैन समाज के जितने भी हैं वो सब जने पूरी एकता के साथ, आपसी समन्वय के साथ और आपसी सहयोग की भावना के साथ यहाँ पर खेलें। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा अचीवमेंट, हम ये मानते हैं कि जब हमारे नितुल भैया से हमारी बात हुई थी तो हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं उन्होंने जब इस टूर्नामेंट में भाग लिया और जब प्रतियोगिता शुरू हुई और बहनों के जब यहाँ पे मैचेस चालू हुए, तब उन्होंने हर मैच के बाद हम दोनों भाइयों से ये कहा कि भैया ये टूर्नामेंट हर अगले साल आपको कराना भी चाहिए। हमने हमारे रसोई का काम, हमने हमारे घर का काम छोड़ के हम यहाँ पर क्रिकेट बल्ला पहली बार पकड़ा है, बॉल पहली बार पकड़ी है और सबके सामने, इतने दर्शकों के सामने, इतने परिवार के सामने हमने यहाँ पर खेलना शुरू किया। तो उनका भी लगातार हम दोनों भाइयों से जहाँ मिलते थे वो यही कहते थे कि भैया टूर्नामेंट कब है, टूर्नामेंट कब है। तो कोरोना काल की वजह से 2 साल का अंतराल रहा और इस बार हम लोगों ने वापस इस टूर्नामेंट को आप लोगों के प्रेम से और जितने भी हमारे जैन सोशल ग्रुप के पदाधिकारी थे, हमने ये टूर्नामेंट चालू किया है। 9 से 14 तारीख तक ये टूर्नामेंट रात्रिकालीन है, समय है 5 से रात को 11-12 बजे तक। मेरा आप लोगों से, सभी से निवेदन है कि आप भी समाज की उन्नति में, हमारी बहनें, महिलाएं, बेटियां जो भी इसमें खेल रही हैं, आप लोगों का भी समय समय पर उन्हें प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे, इसी आशा के साथ कि आप सभी जने यहाँ पर पधारे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये बताइए, बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट है कटारे साहब का, 13 तारीख को उनका खुद का जन्मदिन है, तो हमारी भाई साहब से बात हुई थी कि भाई साहब जन्मदिन अगर आप उदयपुर ही मनाए, तो भाई साहब ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और नितुल भैया की जब उनसे बात हुई तो हमने उन्हें अपने इस प्रतियोगिता के बारे में भी बताया।
तो उन्होंने ये कहा कि 14 तारीख को 13, 14, 15, 16 में यहाँ हूँ, तो उसके अंदर अगर ये कार्यक्रम, तो हमने उसी हिसाब से 9 से 14 के बीच में ये कार्यक्रम किया है। और समापन पे आदरणीय कटारिया साहब का आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलेगा, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कार्यक्रम हमने, कि उनकी जो डेट फिक्स हुई उसमें हमने ये कार्यक्रम करने की सोचा। जहाँ तक आशीर्वाद की बात है, आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं, मंडल में अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी आगामी विधानसभा में भी आपने दावे